हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी टेक बाबा। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और इंटर्नशिप से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा लॉन्च समर इंटर्नशिप 2022। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़ ने यहाँ पे समर इंटर्नशिप 2022 आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट के लिए लॉन्च कर दिया गया। यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, मैं इस इंटर्नशिप के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूरेशन क्या होने वाला है इंटर्नशिप का, स्टाइपेंड है या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से ईयर वाले इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करें एंड किस किस एरिया में इंटर्नशिप है। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि ऐसे ही इंटर्नशिप फ्री कोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस वीडियो आप सेलेक्टेड कैंडिडेट से लाता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आईआईटी पलक्कड़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे ये इंटर्नशिप लॉन्च की गई है। तो इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समर इंटर्नशिप 2022 आईआईटी पलक्कड़ ने अभी लॉन्च की है। तो आईआईटी पलक्कड़ हैड ए समर इंटर्नशिप प्रोग्राम विच एम्स इट इंट्रोड्यूसिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट टू रिसर्च सो एज टू एंथुसियाइज़ देम एंड टू गेट देम इंटरेस्टेड इन ए कैरियर इन टीचिंग एंड रिसर्च। द प्रोग्राम इज फॉर 6 weeks एंड इट्स कम्बाइंड हैंड ऑन रिसर्च ट्रेनिंग विद ए वेराइटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनालिसिस टू। तो आईआईटी पलक्कड़ ने यहाँ पे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि लॉन्च कर दिया गया है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है उसमें काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है एंड रिसर्च के अलावा, तब आप ये इंटर्नशिप कर सकते हो। एंड ये जो प्रोग्राम है वो बेसिकली 6 week का होने वाला है, यानी 1 month और 15 days के अराउंड। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली 6 week का होने वाला है, यानी अराउंड 1.5 month का होने वाला है। इसके साथ साथ आपको रिसर्च ट्रेनिंग तो मिलेगी, रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम तो करना रहेगा, उसके साथ साथ आपको जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस टूल है, उसके साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा, आपको ट्रेनिंग भी होगी। एंड इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखना, आपकी जो कोविड वैक्सीनेशन है वो आपका हो जाना चाहिए, तभी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये मैंडेटरी चीज़ है। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में है कि साइंस, इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट। प्रोग्राम इज ओपन टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इंक्लूडिंग 4th and 5th year स्टूडेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम एंड दोज हु आर इन 3rd and 4th year ऑफ देयर बीटेक डिग्री। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट साइंस से है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, साथ ही साथ अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब वो 4th या 5th year में हो, या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे हो तब वो 3rd या 5th year में हो, तब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस तो इसमें द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द पोर्टल अवेलेबल एट द होम पेज ऑफ आईआईटी पलक्कड़। तो आईआईटी पलक्कड़ के होम पेज में एक पोर्टल है सबमिशन का, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। एंड सेलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एप्टीट्यूड फॉर द रिसर्च अकम्प्लिशमेंट एंड एरिया ऑफ द रिसर्च इंटरेस्ट। तो आपका जो सिलेक्शन है, आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स कैसा है, यानी आपके CGPA कैसा है, उसके बेस पे होगा। फिर आपका रिसर्च के लिए एप्टीट्यूड कैसा है, आपने कोई अचीवमेंट किया है या आपका उससे पहले रिसर्च पे काम किया है, तो वो सारे इंटरेस्ट देख के आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटफुल पॉइंट है, जैसे हम देख सकते हैं ओनली दोज हु आर सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोग्राम विल बी गिवन द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। तो सबको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे 6 weeks पूरा डेडिकेटली काम करेगा तो उनको ही इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलने वाला है। एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 6,000 per month, यानी 9,000 यहाँ पे पूरा 6 week के लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा है 9,000, और पर मंथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6,000। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो अप्लीकेशन पोर्टल है वो 17 मार्च से ये पोर्टल यहाँ पे लाइव हो गया, तब से आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन तो 10 अप्रैल 2022 तक आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप सबमिट नहीं कर पाओगे। डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन और वेटिंग लिस्ट जो कि है 29 अप्रैल 2022 तक उसकी लिस्ट आएगी। एंड डेडलाइन टू कंफर्म पार्टिसिपेशन जो कि है 10 मई 2022 से यहाँ पे वो डेडलाइन आ जाएगी पार्टिसिपेशन की। एंड प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा वो रहेगा जून 1, 2022 से, एंड प्रोग्राम एंड हो जाएगा जो कि जुलाई 15 से 2022, यानी ये टोटली 1.5 month का होने वाला है, 6 week का। एंड इस लिंक में यहाँ पे इंटेंसिव किस किस टाइप की अवेलेबल है तो उसको हम बाद में देखेंगे। एंड नोट, To create a new account, please use a valid email ID. A system generated mail would be sent to the ID for further step.
तो फ्रेंड जब आप इस वेबसाइट पे लॉग इन करें तो आपको एक न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो जो आप मेल दोगे उस पे यहाँ से एक लिंक जाएगा और वो लिंक आपके स्पैम में भी जा सकता है या ऑटो जनरेटेड मेल रहेगा, तो वो आपको देख लेना है कि आपको मेल आया है नहीं आया है, और अदरवाइज वो मेल आप सही से चेक कर लेना। उसके बेसिस पे ही आपको वापस जाके पासवर्ड रिसेट करने रहेंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंटर्नशिप अवेलेबल है। तो अब हम इस पोर्टल पे जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर्नशिप पोजिशन अवेलेबल 2022। तो डिपार्टमेंट वाइज है, फिर नेम ऑफ द फैकल्टी जो कराने वाले हैं एंड एरिया ऑफ द रिसर्च। तो पहले यहाँ पे है बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें एक है अब्दुल रशीद जो करवाने वाले हैं एंड बायोसेंसर्स पे। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री की है सारे, जिसमें यहाँ पे फैकल्टीज के नेम है एंड यहाँ पे टॉपिक्स जैसे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर केमिकल बायोलॉजी ऑफ पॉलीफिनॉल ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन। देन इसी तरह यहाँ पे सिविल का है, तो सिविल की फैकल्टी एंड सिविल के यहाँ पे टॉपिक उसके दे रखे। फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, उसके अगेंस्ट में टॉपिक्स, देन डाटा साइंस, देन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, माइक्रो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, देन एसेंस एंड देन ह्यूमनिटीज एंड मैथमेटिक्स एंड फाइनली यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स। तो ये सारी फैकल्टीज है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एरिया ऑफ द रिसर्च जो किस में आपका इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर, इस फैकल्टी का जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो आपके इंटरेस्ट में नहीं, आप उसमें करना सकते हो। उस फैकल्टी का नाम, उसका डिपार्टमेंट एंड जो वो जो टॉपिक है वो आपको, आप जब एप्लीकेशन फिल करते हो उसमें आपको फिल करना रहेगा। एंड फ्रेंड्स इस इंटर्नशिप के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो भी आपको कॉलेज से लेना पड़ेगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, तो इसको आपको डाउनलोड करना है एंड आपके जो डिपार्टमेंट के एचओडी या ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर है उनके यहाँ पे साइन होना चाहिए रिट सील, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एंड उसके बाद हम फैकल्टी देख लेते हैं आईआईटी पलक्कड़ की। तो ये सारी फैकल्टीज है जो कराने, जिसका ऑलरेडी अपन ने देख लिया कि कौन कौन सी फैकल्टी है, क्या क्या कराने वाले हैं, तो ये फैकल्टी आप डीप में गो थ्रू कर सकते हो यहाँ से। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए पहले जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया कि एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शन अपने मैच हो गए, उसके बाद यहाँ पे काइंडली गो थ्रू द लिस्ट ऑफ इंटर्नशिप पोजिशन दैट आर अवेलेबल। तो इसमें से जो भी हमको इंटरेस्ट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मैक्सिमम यहाँ पे अपन दो फैकल्टी को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो दो फैकल्टी में आप इंटरेस्टेड हो उन दोनों फैकल्टी को आपको नाम एंड उसका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो सारे यहाँ पे आपको होम पेज में जब इंटर्नशिप से अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें क्रिएट न्यू अकाउंट, ये जो न्यू अकाउंट है इस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहले से ही लॉग इन कर चुके हैं आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे एंड उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है एंड उसके बाद आपका नाम, यूजर नेम जो आप देना चाहते हो एंड व्हाट कोड इन द इमेज, तो जो भी कोड है वो आपको यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे कोड देता हूँ एंड देन आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू अकाउंट। ए वेलकम मैसेज विथ फर्दर इंस्ट्रक्शन हैज टू बी सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। मैंने जो मेल दी थी उस मेल पे एक वेलकम मैसेज दे दिया गया, उससे मैं ओपन करता हूँ कि मुझे आईआईटी पलक्कड़ से मेल आया है या नहीं आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट डिटेल फॉर ललित गोयल एट समर इंटर्नशिप एट आईआईटी पलक्कड़। फ्रेंड्स यहाँ पे लिंक है जो ओपन करना है, उसके अंदर हमें पासवर्ड यहाँ पे सेट करने हैं। तो ये ओपन हो गया एंड यहाँ पे सेट पासवर्ड, तो दिस इज ए वन टाइम लॉग इन फॉर ललित गोयल। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब भी आप अपनी मेल आईडी दें तो उसी के आप क्लिक कर देना है, उस पर आपको पासवर्ड सेट कर देना है, अदरवाइज आप लॉग इन नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये एक ही बार यूज हो सकता है, लॉग इन कर सकते हो। एंड अब मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड दे देता हूँ, तो पासवर्ड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पासवर्ड डालते कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे सेव कर देना। तो यहाँ पे मैं सेव हो गया एंड द चेंजेस हैव बीन सेव्ड। तरह आप भी लॉग इन कर सकते हो, आप पासवर्ड सेट करते हो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग आउट, यानी आप ऑलरेडी लॉग इन हो। यहाँ पे माई अकाउंट है, एडिट योर व्यू योर एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे सबमिट है न्यू एप्लीकेशन, तो आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर समर इंटर्नशिप 2022 पर्सनल एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो वो पहले सबको पहले देनी है, जिसमें यहाँ पे फादर्स नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट इंस्टीट्यूशन, ईमेल, मोबाइल नंबर, फुल पोस्टल एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्ड, सेव ड्राफ्ट या नेक्स्ट पेज करके यहाँ पे जाना है। तो ऐसा ही उसके बाद आपको एकेडमिक्स डिटेल देनी है, फिर यहाँ पे तीसरा है इंटर्नशिप प्रोपोजल, आपको किस फैकल्टी के अंडर में करना है एंड वो आपका जो एसओपी है वो क्या है, फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रीव्यू है एंड कंप्लीट है। तो फाइनली सिक्स स्टेट में आपको सबमिट कर देना है
तो इस तरह इस इंटर्नशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 6 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप IIT पलक्कड़ के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।